रचना। डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिटरमिनेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, डिटरमिनेंट्स को हिंदी में बोला जाता है सारणी। क्या बोला जाता है डिटरमिनेंट्स को? हिंदी में बोला जाता है सारणी। अब देखिएगा, सारणिक होता क्या है? किसी वर्ग अव्यूह से संबद्ध एक संख्यात्मक मान होता है सारणिक। फिर से सुनिए, क्या होता है सारणिक? किसी वर्ग अव्यूह से संबद्ध एक संख्यात्मक मान होता है, और ये जो संख्यात्मक मान आता है ये एक यूनिक नंबर होता है, अद्वितीय संख्या होती है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस सारणिक की, डिटरमिनेंट की परिभाषा लिखिएगा। तो लिखिए परिभाषा। माना A बराबर Aij, ये कोई मैट्रिक्स है, एक वर्ग अव्यूह। तो इससे इस वर्ग अव्यूह से संबद्ध एक यूनिक नंबर, बोले तो एक अद्वितीय संख्या, अद्वितीय संख्या को यूनिक नंबर बोला जाता है। अद्वितीय संख्या ये है, वो अद्वितीय संख्या, इसे बोला जाता है वर्ग अव्यूह A का सारणिक। ये वर्ग अव्यूह था A, अद्वितीय संख्या वर्ग अव्यूह A का सारणिक कहलाती है। सारणिक कहलाती है। इसे A का सारणिक या मैट्रिक्स, A का डिटरमिनेंट या A का सारणिक, एक ही बात है, A का सारणिक, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है A का सारणिक। सारणिक को दो खड़ी रेखाओं से व्यक्त किया जाता, करेंगे इस पे बात, या डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट A से व्यक्त किया जाता। देखिएगा, सारणिक क्या है? किसी वर्ग अव्यूह से संबद्ध एक संख्यात्मक मान है, और ये संख्यात्मक मान मैंने पहले ही आपको बता दिया, एक यूनिक नंबर होता है, होता है वर्ग अव्यूह का ही। वर्ग अव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, उस अव्यूह का ही मैट्रिक, वो डिटरमिनेंट यानी सारणिक निकलता है, बाकी किसी अव्यूह का सारणिक नहीं निकलता। तो देखिए, मान लो एक अव्यूह है अपने पास A बराबर 1, 2, 3, 4, ये एक अव्यूह है अपने पास। अपने को कोई बोले कि इसका सारणिक निकालिए, तो आप लिखेंगे कैसे? देखिए, A का जो सारणिक लिखेंगे, इसे आप बोलेंगे A का सारणिक, अव्यूह में जो बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है इसको हटा देंगे आप सारणिक निकालेंगे तो, और इस बड़े कोष्ठक की जगह दो खड़ी रेखाएं लगाएंगे। तो A का सारणिक, देखिए A यहाँ अव्यूह था, इसको सारणिक निकाल रहे हैं, तो A का सारणिक दो खड़ी रेखाएं लगा देंगे बराबर 1, 2, 3, 4, यहाँ भी दो खड़ी रेखाएं लगा देंगे। अव्यूह को सारणिक में ऐसे लिखा जाता है, ये वर्ग अव्यूह है, ये इसका सारणिक है,
सारणिक किसका है? वर्ग अव्यूह का, अर्थात सारणिक जो होता है वो वर्ग अव्यूह से संबद्ध एक संख्यात्मक मान होता है, और यहाँ से एक का मान, एक का सारणिक जो निकलेगा वो एक यूनिक नंबर होगा, यूनिक नंबर होगा, अद्वितीय संख्या होगा। प्यारे बच्चों, तो हम बोल सकते हैं कि सारणिक जो होता है वो वर्ग अव्यूह से संबद्ध एक संख्यात्मक मान होता है। अब हम चर्चा करें कि अव्यूह और सारणिक में क्या अंतर होता है। अव्यूह वह सारणिक में अंतर क्या होता है, तो देखिएगा, अव्यूह हमने किसको बोला था, सारणिक हम किसको बोल रहे हैं। अव्यूह जो होता है वो संख्याओं को व्यवस्थित करने का केवल और केवल एक तरीका मात्र है, या फिर यूं कह सकते हैं कि अव्यूह जो है वो संख्याओं का पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित रूप है। परंतु सारणिक, सारणिक एक वर्ग अव्यूह से संबद्ध संख्यात्मक मान है। हम यूं बोल सकते हैं कि अव्यूह जो है उसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, परंतु सारणिक जो होता है उसका संख्यात्मक मान होता है, और सारणिक सदैव वर्ग अव्यूह से संबद्ध होता है। देखिएगा, अब हम बात करते हैं, आशा करता हूं ये सारणिक की परिभाषा आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं कि सारणिक का मान निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले बात करते हैं 1/140 के, सारणिक का मान। वन बाय 140 के सारणिक का मान, 1/140 का सारणिक मतलब एक पंक्ति और एक स्तंभ वाला सारणिक। मैं बात की शुरुआत अव्यूह से कर रहा हूं। देखिए, मैं एक अव्यूह लिख रहा हूं ए, ये अव्यूह ए लिख दिया मैंने, चेक करिए इसमें कितनी पंक्ति कितने स्तंभ हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक पंक्ति एक स्तंभ है, अर्थात ये जो मैट्रिक्स है ये 1/140 का है, ठीक है। अब इस, ये 1/140 का है, तो हम बोल सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अव्यूह है, तो इसका सारणिक निकलेगा। अब हम बात करते हैं कि 1/140 का जो अव्यूह है इसका सारणिक कैसे निकाला जाता है। तो हम इस अव्यूह को सारणिक में बदलेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दिया या ए का सारणिक लिख दिया, बराबर ये बड़ा कोष्ठक हटाएंगे और इसकी जगह दो खड़ी रेखाएं लगाएंगे, ये लिख दिया। अब ये दो खड़ी रेखाएं हमने लगाई, इससे एक कंफ्यूजन पैदा हो गया कि मापांक को भी ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे 3 का मापांक, -5 का मापांक। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ इस सारणिक को हम मापांक नहीं समझे, सारणिक और मापांक में भी अंतर है। तो यहाँ ये सारणिक है न कि मापांक। अब देखिएगा, अगर 1/140 का कोई सारणिक दे रखा है, आप सारणिक पे आ जाते हैं, इस सारणिक की कोटि कितनी है, देखिए इसमें एक पंक्ति एक स्तंभ है, तो इसकी कोटि है 1/1। इसका मान कैसे निकालेंगे, अगर 1/140 का कोई सारणिक है तो उसमें जो अव्यव है वही उसका मान होता है। तो यहाँ देखिएगा, अव्यव क्या है इसमें 3, तो इस ए का सारणिक क्या होगा, 3 ही होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ, मान लिया एक अव्यव है ए है अपने पास, जिसमें अव्यव है माइनस का सारणिक, ये अव्यव है, और अपने को बोल रहा है कोई इस अव्यूह ए का सारणिक निकालिए, तो हम बोलेंगे इसका सारणिक निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी कोटि 1/1 है, और वर्ग अव्यूह का सारणिक निकलता है। तो देखिएगा, इस अव्यूह का सारणिक निकालेंगे हम, तो इस अव्यूह ए के सारणिक को कैसे लिखेंगे, बोलेंगे ए का सारणिक बराबर ये जो अव्यूह है इसका बड़ा कोष्ठक हटाएंगे, दो खड़ी रेखाएं लगाएंगे, -7। ओके, अब इसका मान कितना होगा, तो देखिए इसमें अव्यूह क्या है, अव्यूह है -7, तो इसका मान भी कितना आएगा, -7। मापांक यदि आप समझ लोगे तो यहाँ आप आंसर दोगे +7, जो कि गलत हो जाएगा, सारणिक और
समान नहीं होते, सारणिक अलग बात होती है, मापांक अलग बात होती है। तो माइनस सात का सारणिक कितना आएगा? माइनस सात। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 1/1 कोटि का कोई सारणिक है उसका मान कैसे निकालेंगे। देखिएगा, ए का सारणिक दे दिया अपने को माइनस का 8 मान लो, ये कोई सारणिक दे दिया और अपने को बोला गया कि इसका मान निकालो। तो हम जानते हैं ए का सारणिक बराबर अव्यय क्या है? माइनस का 8, तो माइनस 8 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम 1/1 कोटि के सारणिक का मान निकालेंगे। अब देखिएगा, दूसरी बात करते हैं, 2/2 कोटि का कोई सारणिक हो। 2/2 कोटि का सारणिक मतलब किसी सारणिक में दो पंक्ति दो स्तंभ हो, तो उस सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है? दूसरा पॉइंट है, 2/2 कोटि के सारणिक का मान, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट हैं वो डेवलप कर रहे हैं। 2/2 कोटि के सारणिक का मान, 2/2 कोटि बोल दो या सिर्फ कोटि 2 बोल दो, एक ही बात है। अगर कोटि 2 बोलोगे तो वहां भी समझा जाएगा दो पंक्ति दो स्तंभ, यदि 2/2 कोटि बोलोगे तो भी वही बात है, दो पंक्ति दो स्तंभ। 3/3 कोटि का कोई सारणिक है तो उसे कोटि 3 का सारणिक बोला जा सकता है, ऐसे 4/4 कोटि का है तो उसे कोटि 4 का बोला जा सकता है। एग्जांपल के लिए मैं एक सारणिक ले रहा हूं, सारणिक ए बराबर 2, 3, 4, 5, ओके, ये कोई सारणिक है। सारणिक है, आप जो है नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ खड़ी रेखाएं हैं, मैं की बड़ा कोष्ठक है। ये जो सारणिक है ये 2/2 कोटि का है, देखिएगा इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ है, अर्थात यूं कह सकते हैं ये कोटि 2 का सारणिक है। इसका मान कैसे निकालते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, जैसे वर्ग अव्यय है में 5, 7, 9, 8, ये कोई वर्ग अव्यय है अपने पास, वर्ग अव्यय है इसलिए इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ है। तो वर्ग अव्यय में जैसे विकिरण होते थे, ये मुख्य विकिरण होता था और ये पश्च विकिरण होता था। जैसे वर्ग अव्यय में मुख्य विकिरण और पश्च विकिरण होता था, वैसे ही सारणिक में भी मुख्य विकरण, ये मुख्य विकरण है और ये पश्च विकरण। तो 2/2 कोटि का कोई सारणिक है उसका मान कैसे निकाला जाता है? देखिएगा, ए का सारणिक बराबर, सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयव की गुणा करेंगे, उसके बाद में पश्च विकिरण के अवयव की गुणा करेंगे, फिर मान कैसे निकालेंगे? मुख्य विकिरण के जो अवयव हैं, मुख्य विकिरण के जो अवयव हैं उनकी गुणा करने के बाद में जो रिजल्ट आया है उसमें से घटाएंगे क्या? पश्च विकिरण के जो अवयव हैं उनकी गुणा करने पर जो रिजल्ट आया है, समझिएगा मेरी बात, 2/2 कोटि के सारणिक का मान निकालने की बात कर रहे हैं। तो इस सारणिक का मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप मुख्य विकिरण के अवयव की गुणा करेंगे, तो मुख्य विकिरण के अवयव क्या है? 2 और 5, तो लिखेंगे 2 × 5, ओके, इसमें से माइनस करेंगे क्या? पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा, तो 4 × 3 से करेंगे, लिखेंगे 4 × 3। आशा करता हूँ मेरी बात आप समझ पाए होंगे, यदि समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें 2/2 कोटि के सारणिक का मान निकालना समझ में आ गया। तो ए का सारणिक बराबर 2 × 5 = 10, 2 × 5 मतलब 5 × 2 से गुणा करनी है 10, माइनस 4 × 3 से गुणा करनी है 12, 10 − 12 बोले तो रिजल्ट आएगा -2, ये -2 ए का सारणिक है अपना, आंसर होगा। आशा करता हूँ मेरी बात आप समझ पाए होंगे। अब देखिएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, 2/2 कोटि का ही
करने के लिए है ये बातें। मान लो एक सार्विक दे दिया ए अपने को cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और आपको बोला गया इस सारणिक का मान कैलकुलेट कीजिएगा। तो देखिए ये जो सारणिक लिखा हुआ है ये 2/2 कोटि का है, अर्थात इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ है। तो आप इस सारणिक का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयव की गुणा करेंगे। ये गोला को मैं बना ये नहीं करेंगे, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ए का सारणिक बराबर मुख्य विकिरण के अवयव की गुणा cos थीटा की गुणा cos थीटा से करेंगे, क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद में निशान किसका लगाएंगे, माइनस का, मतलब मुख्य विकिरण के अवयव की गुणा करके घटाएंगे। यही लिखा है मुख्य विकिरण के अवयव की गुणा कर दी cos स्क्वायर थीटा घटाएंगे, दैट मींस माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दिया। अब बस विकिरण के अवयव की गुणा करेंगे, मतलब sin थीटा की गुणा माइनस sin थीटा से करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आएगा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, वो माइनस का sin स्क्वायर थीटा मैं यहां लिखूंगा तो एक माइनस ऑलरेडी पहले से है, माइनस की माइनस से गुणा होगी क्या बन जाएगा प्लस, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। आशा करता हूं आप बात अब अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो ए का सारणिक बराबर देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया ए, ये सर्वसम्मिका होती है त्रिकोणमितीय में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है ए, तो ए का सारणिक कितना आ जाएगा ए, ये अपना आंसर। डियर स्टूडेंट आज हम केवल 1/1 कोटि के सारणिक का मान और 2/2 कोटि के सारणिक का मान निकालना सीख चुके हैं। अब एक्सरसाइज में इस पर आधारित जितने क्वेश्चन हैं हम सारे करते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे 3/3 कोटि के सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये जो टॉपिक है सारणिक का, ये टॉपिक हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ऐसा चैप्टर है ये सारणिक डिटर्मिनेंट कि आप इसे जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपका माइंड उतना ही ज्यादा सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। देखिएगा एक्सरसाइज में एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक्सरसाइज का पहला एग्जांपल है, एक्सरसाइज नंबर है 4, एक्सरसाइज नंबर 4 जिसमें हम 4.1 पढ़ेंगे। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर एक, बोल रहा है सारणिक सारणिक 2 4 2 -3 का मान ज्ञात कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन करते हुए हम हाई लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, बने रहिए। देखिएगा सारणिक 2 4 2 -3 इस सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो मैं इस सारणिक को a मान लेता हूं। सारणिक a बराबर है 2 4 2 -3। अब इस सारणिक का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 2/2 कोटि का सारणिक है या कोटि 2 का सारणिक है, क्यों, क्योंकि इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ है। तो 2/2 कोटि का कोई सारणिक है उसका मान हम कैसे निकालते हैं, देखिएगा सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयव की गुणा करते हैं। दाएं हाथ वाले जो विकिरण अवयव है वो उसको मुख्य विकिरण में आते हैं, बाएं हाथ वाले पस विकिरण में आते हैं। यूं करके देख लीजिएगा सामने, ये मुख्य विकिरण ये पस विकिरण। तो सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयव की गुणा करेंगे, 2 की गुणा -3 से करेंगे, माइनस का 6 ओके, उसके बाद में माइनस लगाएंगे। अब पस विकिरण के अवयव की गुणा करेंगे, 2 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8। तो ए का सारणिक बराबर कितना आएगा, माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस 14 है, ये अपना आंसर। समझ पाए मेरी बात को। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 ये है जो कि मैं करवा चुका हूं आपको, सारणिक cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा का मान कैलकुलेट कीजिएगा। तो देखिए ये जो सारणिक है इसका मान कैसे निकालेंगे, मुख्य विकिरण के अवयव की गुणा माइनस पस विकिरण के अवयव की गुणा, cos थीटा की cos थीटा से गुणा करेंगे cos स्क्वायर थीटा,
माइनस लगाएंगे साइन थीटा की, माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस पहले से क्या बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना हो जाएगा देखिए सर्वसम्मिका है इसका मान हो जाएगा एक ही अपना एन स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों अब देखिएगा एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर तीन, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर तीन है यदि सारणी, एग्जाम्पल नंबर तीन लिख रहा हूं मैं, यदि सारणी मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है एक नंबर का। देखिएगा ये जो सारणिक है इस सारणिक का मान बताया अपने को चार, तो k का मान बताना है, तो देखिए k एट टू फोर ये सारणिक लिख लेता हूं, सारणिक का मान किसके बराबर है चार के बराबर, मतलब यदि सारणिक का मान निकाला जाए तो कितना आएगा चार आएगा। अब देखिए सारणिक का मान निकाल रहे हैं, ये 2/240 का सारणिक है, दो पंक्ति दो स्तंभ है, बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स का सारणिक है, तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा करेंगे, एक की गुणा चार से करेंगे फोर के, माइनस आठ की गुणा दो से करेंगे सोलह, मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा करेंगे उसमें से माइनस करना है क्या फर्स्ट विकिरण के अवयवों की गुणा, बराबर में कितना है चार। अब देखिएगा 4k इज इक्वल माइनस 16 का हम पक्षांतरण करेंगे, 4 वहां पहले से ये हो जाएगा प्लस का 16, पक्षांतरण करेंगे तो देखिएगा माइनस क्या है क्या हो जाएगा प्लस का 16, तो 4k बराबर कितना आया 4 प्लस 16 20 लिख दो, तो अब k का मान ज्ञात करेंगे तो k के साथ गुणा में कितना है 4, और गुणा में जो संख्या होती है उसका सदैव भाग लगता है, तो देखिए k बराबर क्या आ जाएगा 20/4, k बराबर 20 में यदि 4 का भाग दे हम तो कितना आएगा 5, k का मान आ गया 5, ये अपना आंसर है। समझ पाए आप क्वेश्चन को, अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है यदि सारणिक पहली पंक्ति के 3 माइनस 1 के बराबर सारणिक हो तो का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये जो सारणिक है इस सारणिक का मान 7 बताया, अगले अपने को मान ज्ञात करना है k का, तो हम इस सारणिक का मान कैलकुलेट करेंगे, सारणिक क्या है k 3 माइनस 1 k इज इक्वल 7, 2/240 का सारणिक है, तो सबसे पहले हम मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा करेंगे, k की गुणा k से करेंगे k स्क्वायर, माइनस 1 की गुणा 3 से करेंगे माइनस 3, एक माइनस यहाँ लगाएंगे एक माइनस 3 के साथ आ रहा है क्या हो जाएगा प्लस 3, बराबर में कितना है 7। अब देखिए k स्क्वायर बराबर क्या आएगा 7 माइनस 3, इस 3 का पक्षांतर कर देंगे तो k स्क्वायर बराबर कितना आया 7 माइनस 3 बोले तो 4। अब देखिएगा k स्क्वायर बराबर 4 आया तो k का मान क्या होगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये अपना आंसर है, k का मान एक तो प्लस 2 आया एक k का मान माइनस 2 आया, ये दोनों ही अपने आंसर है। अब देखिएगा एक्सरसाइज में इससे संबंधित क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1
नंबर 1 4.1 की एक्सरसाइज में बोला k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए सारणिक का मान शून्य होगा। सारणिक दे रखा है अपने को K2 4-3। इस सारणिक का मान शून्य होगा, अर्थात अपने को K का मान ज्ञात करना है। और K का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या बताई इसने, सारणिक का मान शून्य। तो इस सारणिक का मान K का मान ज्ञात करना है। K का मान ज्ञात करने के लिए अगले ने बोला कि इस सारणिक का मान क्या है, शून्य। तो इस सारणिक को शून्य के बराबर रखेंगे, क्योंकि अगले ने बताया सारणिक का मान शून्य है, तब बताना है K का मान आपको। तो 2/2 कोटि का सारणिक है, सबसे पहले आप मुख्य विकिरण के अवयव की गुणा करेंगे, तो -3 की K से गुणा करेंगे, माइनस का 3K आएगा। इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट विकिरण के अवयव की गुणा, 4 × 2 कितना आएगा, एड बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिएगा अपने को मान कैलकुलेट करना है K का, तो इस माइनस का 8 का क्या कर देंगे पक्षांतर, तो माइनस का 3K बराबर क्या आएगा, प्लस का 8। तो K का मान कितना आएगा, देखिए K के साथ -3 गुणा में है, और गुणा में है तो इसका दूसरी तरफ भाग देंगे, तो -8/3 अपना क्या हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि सारणिक पहली पंक्ति है xy, दूसरी पंक्ति दी हुई है 2 4, इस सारणिक का मान 0, तो x अनुपात y ज्ञात करना, x और y का अनुपात बताना है। देखिएगा सारणिक का मान 0 के बराबर दिया अपने को, ये बात दी हुई, अब हम इस सारणिक का मान कैलकुलेट करेंगे, बराबर में 0 लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयव की गुणा करेंगे, x की गुणा 4 से करेंगे आएगा 4x, माइनस फर्स्ट विकिरण के अवयव की गुणा करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई y से करेंगे 2y, और बराबर में क्या है 0। तो 4x -2y बराबर 0 है, -2y का मैं यहां पक्षांतरण कर देता हूं, तो ये बन जाएगा प्लस का 2y। अब x अनुपात y ज्ञात करना है, डियर स्टूडेंट x अनुपात y को x अपॉन y भी लिखा जा सकता है। अगर मान लो x अपॉन y बराबर 3/5 है, तो मैं लिख सकता हूं x अनुपात y बराबर क्या होगा, 3/5। तो यहां देखिएगा अनुपात ज्ञात करने के लिए x अपॉन y के रूप में हम ज्ञात करते हैं मान, तो x के बट्टा में आ जाएगा y, और 2 के बट्टा में चला जाएगा 4। तो देखिए x अपॉन y बराबर क्या आ जाएगा, 2/4, 2 और 4 कैंसिल आउट हो रहे हैं 2 से, तो क्या आ जाएगा x अपॉन y बराबर 1/2। बोले तो x अनुपात y बराबर कितना आया, 1/2, ये अपना आंसर है। अब मैं चाहूंगा कि ऐसा क्वेश्चन आप सब पे एक क्वेश्चन लिख के और प्रैक्टिस करें, अनुपात निकालें। देखिएगा अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 3 का क्वेश्चन थोड़ी देर बाद में करेंगे, है ऐसा ही लेकिन थोड़ी सी कुछ अलग बात है, इसलिए दूसरी बात के साथ में वो क्वेश्चन करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। सेम ऐसा ही है जैसा हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि सारणिक पहली पंक्ति है x-1 x-2, दूसरी पंक्ति है x x-3, और इस सारणिक का मान बताया किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो अपने को बोल रहा है x का मान कैलकुलेट कीजिए। ऐसा हो तो x का मान ज्ञात करो, ये बोल रहा है। देखिएगा ये जो सारणिक है, सारणिक का मान 0 के बराबर बताया अगले ने, और हम देख रहे हैं ये जो सारणिक है ये 2/2 कोटि का है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयव की गुणा, तो x-1 की गुणा करेंगे आप x-3 से,
अब इन दोनों की आप गुणा करेंगे तो x माइनस वन की x माइनस थ्री से गुणा कैसे करें आप? तो पहले आप x की गुणा कर दें इन दोनों के साथ, फिर माइनस वन की गुणा कर दें इन दोनों के साथ। तो मैं इसकी गुणा कर रहा हूँ इसके साथ, पहले x की गुणा करेंगे तो x की गुणा करें तो देखिए क्या आएगा। x की गुणा x से होगी एक्स स्क्वायर, x की गुणा माइनस थ्री से होगी माइनस थ्री एक्स, फिर माइनस वन की x से गुणा करेंगे माइनस का x, और माइनस वन की माइनस थ्री से करेंगे तो प्लस थ्री। हो गई ये दोनों गुणा। अब माइनस x की गुणा करते हैं x माइनस टू के साथ, तो माइनस x की x से गुणा करेंगे माइनस का x स्क्वायर, माइनस x की गुणा करेंगे माइनस टू से तो प्लस का 2x बराबर 0। अब देखिएगा x स्क्वायर यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3x माइनस x कितना हो गया माइनस का 4x, प्लस का 3 प्लस का 2x बराबर 0, माइनस का 4x प्लस का 2x कितना हो गया भाई माइनस का 4x प्लस का 2x रिजल्ट में आया माइनस का 2x, तो प्लस 3 है इसका हम क्या कर देंगे 0 की तरफ पक्षांतर, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 3/2, ये अपना आंसर। अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल है, एक नंबर का होगा, ज्यादा वेटेज तो इसका है नहीं। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों 1/1 कोटि के सारणिक का मान और 2/2 कोटि के सारणिक का मान निकालना आपके शायद समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार पुनः वीडियो को देखें, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करें। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।